किसी जंगल में एक उल्लू रहता था। उसे दिन में कुछ दिखाई नहीं देता था, इसलिए वह दिन भर एक पेड़ पर अपने घोंसले में छिप कर रहता था। सिर्फ रात होने पर ही वह भोजन के लिए बाहर निकलता था। एक बार की बात के गर्मियों का मौसम था, दोपहर का समय था और बहुत तेज धूप थी। तभी कहीं से एक बंदर आया और वह उल्लू के घोंसले वाले पेड़ पर आकर बैठ गया। गर्मी और धूप से परेशान बंदर ने कहा, उफ, बहुत गर्मी है, आकाश में सूर्य भी आग के किसे बड़े गोले की तरह चमक रहा है। बंदर की बात को उल्लू ने भी सुन लिया, उसे रहा नहीं गया और बीच में ही बोल पड़ा, यह तुम झूठ कह रहे हो, सूर्य नहीं बिल्कुल, अगर चंद्रमा के चमकने की बात कहते तो मैं इसे सच मान लेता। बंदर बोला, भला दिन में चंद्रमा कैसे चमक सकता है, वह तो रात में चमकता है और यह दिन का समय है, तो दिन में सूर्य ही चमकते। यही कारण है कि सूर्य की तेज रोशनी की वजह से बहुत ज्यादा गर्मी होती है। उस बंदर ने उल्लू को अपनी बात समझाने का बहुत प्रयास किया कि दिन में सूरज भी चमकता है, चंद्रमा नहीं, लेकिन उल्लू भी अपनी ही जिद पर अड़ा रहा। इसके बाद उल्लू ने कहा, चलो हम दोनों में एक मित्र के पास चलते हैं, वहाँ इसका निर्णय करेगा। बंदर और उल्लू दोनों एक दूसरे पेड़ पर गए। उस दूसरे पर पेड़ पर उल्लुओं का एक बड़ा झुंड रहता था। उल्लू ने सभी को बुलाया और उन्होंने कहा कि दिन आकार में सूर्य चमकता है या नहीं, यह तुम सब मिलकर बताओ। उल्लू की बात सुनकर उल्लुओं का पूरा झुंड हंसने लगा। वह बंदर की बात मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, तुम बेवकूफ जैसी बात कर रहे हो, इस समय आकाश में तो चंद्रमा ही चमक रहा है और आकाश में सूर्य के चमकने की झूठी बात बोलकर हमारे बस्ती में झूठ का प्रचार मत करो। उल्लुओं के झुंड की बात सुनने के बाद भी बंदर अपनी ही बात पर अड़ा हुआ था, जिस देखकर सभी उल्लू गुस्सा हो गए और वे सारे के सारे बंदरों को मारने के लिए उन पर झपट पड़े। दिन का समय था और उल्लुओं को कम दिखाई दे रहा था, इसी वजह से बंदर वहां से बचकर भाग निकले। में कामयाब हो गए और उसने अपनी जान बचाई।